दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत महामंडलेश्वर नरेशपुरी महाराज रविवार को ब्यावर के दौरे पर रहे। यहां पर महंत नरेशपुरी महाराज ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के पखवाड़े के समापन समारोह के मौके पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। ब्यावर पहुंचने पर महंतपुरी का शहर के अजमेर रोड स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर पर ब्रजंग दल के राजीव मिश्रा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता रैली के रूप में महाराज नरेशपुरी को समारोह स्थल माँ आशापुरा धाम पर लेकर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने नव दंपति को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने दुल्हनों को एक सोने की चेन तथा दूल्हों को सोने की अंगूठी, साथ ही सिलाई मशीन तथा छत के पंखे भेंट किए। इस मौके पर नरेशपुरी महाराज ने कहा कि सामूहिक विवाह समाज के लिए एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। महंतपुरी ने कहा कि जब तक नई पीढ़ी धर्म में आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे में आज भी संस्कार जिंदा है। परिवार के बुजुर्ग द्वारा युवाओं को जो संस्कार दिए जाते हैं, वे आज भी जिंदा है, जिसके कारण पाश्चात्य संस्कृति हमें छू भी नहीं सकती। इससे पूर्व महामंडलेश्वर नरेशपुरी महाराज ने आशापुरा धाम पहुंचकर मां आशापुरा के दर्शन किए तथा माता के दरबार में ढोक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महंत नरेशपुरी महाराज के साथ सत्यनारायण जयमन भी मौजूद रहे।